रूपा कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस सभी कंपनियों के लैपटॉप कंप्यूटर प्रिंटर के विक्रेता एवं सुधारक पता न्यू मानस भवन जिला अस्पताल के सामने दमोह। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष अखिलेश सिंह ठाकुर और महेंद्र राठौर के ऊपर कोचिंग संचालक शर्मा क्लासेस सेंटर के संचालक प्रकाश शर्मा व अन्य साथियों के द्वारा मारपीट करने का उनकी दुकान के अंदर घुसकर आरोप लगाया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना हुई है आपके साथ? आज मैं अपनी दुकान पे बैठा था और प्रकाश शर्मा अपने साथियों के साथ आए और अचानक ही आके एकदम से गाली गलौज करने लगे, दुकान के अंदर घुसे और उन्होंने मुझे मारा। यहाँ दर्द हो रहा है कान में और गाली गलौज दी, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी हैं मुझे तो, और रोज में भी हाथ लगाया उनने। दोपहर में मैंने 4-5 हज़ार रुपये गिने थे, तो इस प्रकार उनने मेरे दुकान में तोड़फोड़ भी की, सामान यहाँ का वहाँ भी फेंका उन्होंने। तो इस प्रकार उन्होंने अपने साथियों के साथ आके मेरी दुकान पे तोड़फोड़ की और मुझे मारा, और आगे भविष्य में भी मेरे साथ कोई घटना होती है ये भी तुमने धमकी दी है कि मैं तुम्हें देख लूँगा यदि रिपोर्ट की। किस मामले को लेकर? ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसी कोई विशेष बात भी नहीं थी, अचानक से वो आए और मानने लगे। जबकि मैं बहुत सम्मान करता हूँ हर व्यक्ति का, किसी से कभी अपशब्द नहीं बोलता, किसी को कभी कोई बिना वजह कुछ बोलता नहीं हूँ। उसके बाद भी उन्होंने आके दुकान की तोड़फोड़ की, मारा पीटा, कहने बहुत बनते हो तुम, ये कौन सी वजह है? कितने बजे की घटना है? अभी करीब 8 बजे समथिंग की घटना है। कौन कौन था आपके साथ दुकान पे? दुकान पे मैं था, महेंद्र जी थे, हम दोनों बैठे थे नॉर्मल, हम सब लोग बैठते हैं शाम को, तो एकदम से आए और मेरे विकास भैया थे, तो उन लोगों ने फिर जब वो मार रहे थे तो उन लोगों ने बीच बचाव किया मेरा। कितने लोग थे वो लोग? वो अब एकदम से तो मैं समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी दुकान का थोड़ा सा सेंटर रहता है कि आप कितने आ रहे हो समझ ही नहीं पाता एकदम से। वो हमें तो ये इनके साथ 3-4 लोग दिखे, अब पीछे कितने थे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो पता जरूर मैं करूँगा, क्योंकि मेरे आसपास के लोगों से पता करूँगा कि एक्चुअल में कितने थे ये लोग।